नमस्कार दोस्तों, अभी मैं ग्रेटर नोएडा आया हुआ हूं और ये वही दिन है जब आपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी देखी होगी कि कितने तगड़े जो है बारिश आई थी या ओले वोले आए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो आप, हमें ज़्यादा पता चल जाएगा। खैर, यहाँ पर क्यों आया हूँ ग्रेटर नोएडा, एक हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है कि उनकी जो गाड़ी है ये वही गाड़ी है जो जिसने कहीं ना कहीं जो है वो मारुति की गाड़ियों को टक्कर दी थी सेल्स के अंदर। सेंट्रो, मैं पुरानी वाली की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो वेरियंट है ये नया वेरियंट जो है इन्होंने लिया है। पहली बात तो मैं बुलाना चाहूँगा सर को, थैंक यू सो मच हमें यहाँ पर बुलाने के लिए। और पहली बात तो बहुत ही फर्स्ट क्लास जो है ये कलर लगता है मेरे को, अलग सा ही, दूर से ही अलग से लगता है। तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। और तो आपने कब ली थी ये गाड़ी? ये गाड़ी मैंने ली थी नवंबर 2018 में। नवंबर 2018 के अंदर ये गाड़ी ली थी। और कितनी चला दी है अभी तक? ये अभी चल गई है अराउंड 7900। कम चलाते हैं थोड़ी गाड़ी है? शुरुआत में काफी चली थी, लेकिन उसके बाद फिर कई चीजें ऐसी हुई कि इसको ज्यादा चला नहीं पाया मैं। अच्छा जी, तो ये जब गाड़ी आपने ली थी तब इसके अलावा और कौन सी गाड़ी आपने देखी थी? काफी, जैसे एक टियागो थी उस वक्त में, और उस वक्त तक वैगनार का नया मॉडल नहीं आया था। अच्छा। लेकिन चूंकि मेरी पुरानी एक सेंट्रो ऑलरेडी थी मेरे पास। अच्छा। जो मैंने करीबन 1,12,000 किलोमीटर करीबन चला रखी थी, तो मैंने उसको ही इससे रिप्लेस कर दिया। अच्छा। हाँ, एक्सचेंज में मैंने वो देखे और ये ले ली थी उस वक्त में। ओके, नो डाउट, देखिए गाड़ी काफी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा ये गाड़ी वो जगह नहीं बना पा रही जो कि पुरानी वाली सेंट्रो ने बनाई थी। बिल्कुल, पुरानी वाली सेंट्रो का जो जिंक का जो लुक्स थे जो उसमें, मतलब पहले जो इनिशियली जो सेंट्रो आई थी वो भी उसको अगली ड्राइव भी आई थी, उसके बाद जो जिंक उसको भी अगली डकलिंग कहा जाता था, लेकिन वो जो जिंक में आया था चेंज, वो एक अच्छा उसमें मतलब हेडलाइट वगैरह और टेल लैंप्स के फीचर्स थे। तो ये गाड़ी उतना अभी नई लोगों के दिल में लुक्स वाइज भी या किसी वाइज भी जगह नहीं बना पाई, पर ये है गाड़ी उससे भी बढ़िया। हाँ, उससे भी बढ़िया। हाँ, तो उसी को देखते हुए आपने फिर दोबारा से सेंट्रो ली थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं इसके इंजन से काफी इंप्रेस हुआ था, वो एप्सिलियन 1.1 वो इंजन पुराना जो था जी, वही इसमें अभी भी आ रहा है। अच्छा। तो वो काफी अच्छा इंजन लगा था मुझे। अच्छा, तो इंजन की बात हुई है तो माइलेज लगभग कितना निकाल रही है? माइलेज अगर क्यूमुलेटिव सब मिला लिया जाए, हाईवे ड्राइविंग और सिटी ड्राइविंग सब मिला के 17-18 तक आराम से मुझे इसमें मिल रहा है माइलेज। हाँ, थोड़ा सा आप नजदीक आ जाइए क्योंकि इसमें इश्यू आ सकता है आवाज के अंदर, है ना? तो माइलेज 17-18 की आपको निकाल रही है। जी जी। इसमें एक सीएनजी ऑप्शन भी आता है? जी, मैंने सीएनजी ऑप्ट नहीं किया था क्योंकि मैं सीएनजी गाड़ी, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता मैं सीएनजी गाड़ी चलाऊं। हाँ, मतलब मजा नहीं आता चलाने। एक तो मजा नहीं आता, दूसरा सीएनजी गाड़ी के इंजन की लाइफ उतनी बेटर नहीं होती। अच्छा, प्लस सीएनजी एक टैंक में अपने साथ डिक्की में लेके घूमना, आई डू नॉट फील सेफ। ओके, हाँ। और दूसरा ये कि अभी अभी तो खैर लाइनें थोड़ी सी छोटी हो गई है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें भी लगती है। हाँ, काफी लंबी लाइनें लगती है सीएनजी की। हाँ, तो आप एक बात, 7-8 हजार किलोमीटर चला दी है, एक कितना साल हो गया, 1.5 साल हो गया करीबन? तो सर्विस तो आपने करवाई ली होगी? जी जी, इसकी फर्स्ट इनिशियल सर्विस हो चुकी है जिसमें चेकअप होता था। okay. उसमें कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद सेकंड सर्विस जो थी वो चूंकि टाइम कंप्लीट हो रहा था, किलोमीटर्स नहीं हुए थे, इसलिए मैंने वो करवा ली थी। और वो सर्विस में इंजन ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज हुए थे, और मेरे ख्याल से 1300-1400 रुपए की सर्विस थी। 1300-1400 रुपए की सर्विस थी। देखो, एक अच्छी बात ये हुई इनके साथ कि इन्होंने पहले भी सेंट्रो रखी है और लगभग 1.25 लाख के आसपास चला दी थी, 1.18 के आसपास चलाई थी इन्होंने। तो ये हुंडई की सर्विस स्टेशन के बारे में या हुंडई की सर्विस के बारे में बेहतर तरीके से बता सकते हैं? हम थोड़े से झिझक रहे थे कि यार इन्होंने सिर्फ 7,000 चलाई है तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, लेकिन आप उस बेस के ऊपर भी बता सकते हैं कि हुंडई की सर्विस कैसी है? हुंडई की सर्विस बहुत अच्छी है। मेरे पास एक डीजल i20 भी है। अच्छा। जो मैंने करीबन 1,65,000 चला रखी है। बहुत बढ़िया। और वो हर 10,000 पे आप सर्विस कराते रहो, चलाते रहो, कोई इशू ही नहीं है किसी गाड़ी में। अगर आप सर्विस में डिले करोगे या कुछ करोगे तो हर गाड़ी में इशू आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी जो है वो कितना सेटिस्फाई करती है अपने ग्राहकों को, क्योंकि ये पहले भी हुंडई यूजर रह चुके हैं, उसके बाद इन्होंने i20 खरीदी होगी, उसके बाद इन्होंने ये खरीदी, तो ये हुंडई के फैन लग रहे हैं मेरे को काफी। तो कोई अगर दिक्कत नहीं आती तो फैन बनने में दिक्कत कहाँ है, है ना? तो ओके, तो इसके अलावा आपने और कोई गाड़ी पसंद ही नहीं आई आपको? अगर जब सेंट्रो, टियागो मैंने देखी थी, पर वो 3 सिलेंडर इंजन, वो 800 पहले चला रखी है, वो भड़बड़ भड़बड़ उसमें होती थी तो वो मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये जब ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन था तो मैंने सोचा इसी पे ऑप्ट करते हैं। हाँ, टियागो के अंदर ये तो है कि थोड़ा सा नॉइसी इंजन आपको जरूर लगेगा, ये तो है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी का तो आप लोगों को पता ही है। हाँ, काफी है। अच्छा है। और कोई इशू आपने फेस करा हो इस गाड़ी के अंदर कि कोई दिक्कत आई? इसमें अभी लास्ट जो विंटर, काफी जो हैवी विंटर था, उसमें फर्स्ट स्टार्ट में थोड़े से मिसफायर कर रही थी।
तो वो इशू मैंने हुंडई में एड्रेस रेस किया वहाँ पे, उन्होंने इसका चेक किया, रखा अपने पास एक दिन. तो पहले उन्होंने स्पार्क प्लग्स चेंज किए. अच्छा. स्पार्क प्लग्स चेंज होने के बाद भी वो इशू आ रहा था, तो उसके बाद उन्होंने फिर रिकॉल करा के वारंटी में इसकी इग्निशन कॉइल चेंज किए. वो रिप्लेस होने के बाद तक अभी वो प्रॉब्लम रेप्लिकेट नहीं हो पाई है, लेकिन अभी देखते हैं आगे चलाते चलाते क्या पता लगता है. अच्छा, मार्केट के अंदर आपको इस गाड़ी का कंपटीशन जो है इसी रेंज के अंदर कौन सी गाड़ी लगती है जो थोड़ा इसके नज़दीक पहुंच पा रही हो आपके अकॉर्डिंग? वैगनार 1.2. वैगनार 1.2 जो अभी अभी जो रिसेंट नई वाली जो वैगनार है. हाँ, अगर वो उस वक्त तक लॉन्च हो गई होती तो मैं उसको भी कंसीडर करता था, लेकिन तब तक पहले मतलब मारुति ने ये देखा कि हुंडई ने क्या प्रोडक्ट दिया, उसके बाद मारुति ने अपना प्रोडक्ट. ये दोनों ही आपस में स्मार्ट गेम तो खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, कभी ये एडवांटेज उठाते हैं कभी वो एडवांटेज उठाते हैं. आपने चला करके देखिए, आपको बॉडी रोल वगैरह नहीं लगा? मैं उसकी बात कर रहा हूँ वैगनार. नहीं नहीं, उसके बाद जब एक बार ले ली गाड़ी तो फिर मैंने देखी चला. सही बात, बस ये उसमें पावरफुल 1200cc का इंजन है, वो इंजन दूसरी गाड़ियों में मैं चला चुका हूँ, उसमें एक एडवांटेज है, लेकिन वो तब तक मैं ले चुका था. ट्रू. तो कहीं लंबा बैठ के गए हैं इसमें? हाँ, इसको मैं 150-200 किलोमीटर तक मैंने चलाया है. तो उसमें ऐसा नहीं है, थोड़ी सी इसकी राइड क्वालिटी स्टिफ है हल्की सी, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम झिला हुआ है. अच्छा, कंफर्टेबली चल सकते हैं आराम से, लॉन्ग रूट के लिए भी अच्छी गाड़ी है, आराम से 100-110 क्रूज कर सकती है जी. देखिए, आप लोगों के लिए सारी मेहनत हो रही है, अभी हम बारिश के अंदर खड़े हुए हैं, है ना, सर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि आप लोगों को एक ट्रू एक्सपीरियंस मिल सके गाड़ियों का. अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी का ट्रू एक्सपीरियंस देना हमें, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, हमें DM भी कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है वहाँ पर. बात करते हैं सर इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर के, बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी? अगर इसको मैं अपनी पुरानी सेंट्रो से कंपेयर करूं तो जी. वो 2005 मॉडल थी जी. उसकी बिल्ड क्वालिटी का तो कोई जवाब ही नहीं था. काफ़ी मतलब अच्छा हैवी मेटल था. उसके बाद हुंडई ने जो 2013 ऑनवर्ड जो सेंट्रो थी उसमें हल्की की थी. ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हल्की है, पर मेरी 2005 मॉडल की सेंट्रो से थोड़ी सी इसकी मैं कह सकता हूँ बॉडी हल्की है. वैसे बिल्ड क्वालिटी अगर कहें तो इंटीरियर में कहीं भी, अभी 1-1.5 साल हो गया, गड्ढों में भी चलते कुछ भी होता है, कहीं कोई रैटल्स नहीं, कोई नॉइज नहीं है, इंटीरियर भी अच्छा बना हुआ है, तो मतलब क्वालिटी. हाँ, इंटीरियर की प्लास्टिक क्वालिटी भी जो है वो मैंने देखी तो काफ़ी अच्छी है. हाँ. और बाहर की देखिए, मेरे ख्याल से तो ये पिछली वाली जो सेंट्रो थी उसकी बजाय इसका जो बैलेंस है ये थोड़ा सा इंक्रीज और हुआ होगा. जी जी बिल्कुल, काफी, है ना, काफी, काफी, राइडिंग क्वालिटी वगैरह. और वो उसको अगर थोड़ा सा तेजी से मोड़ देते थे तो वो ऐसा फील होता था कि यार ये बॉडी रोल कर रही है ज्यादा, इसमें बॉडी रोल तो कोई चीज है ही नहीं. जी बिल्कुल, वो एक बार हम चला करके भी देखेंगे कि कैसी जो है, एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे. बाकी थैंक यू सो मच सर हमें यहाँ पर बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. और एक बार मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ, स्पेस वगैरह जो है वो दिखा देता हूँ गाड़ी का कैसा है. आइए अंदर आ गए हैं, बाहर का एक बार शीशा देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी बारिश हो रही है बाहर. आपको साथ साथ लगे हाथ यहाँ पे स्पेस में दिखा देता हूँ. यहाँ पर लगभग मेरे को इतना जो है वो लेग रूम मिल रहा है, और अगर हेडरूम की मैं बात करता हूँ तो लगभग इतना जो है वो हेडरूम भी मिल रहा है मुझे, वो भी चश्मे के साथ, चश्मा है ऊपर इसका. तो ये चीज अभी मैं पीछे भी बैठ करके एक बार दिखा देता हूँ आपको. और हम क्योंकि दो बंदे बैठे हुए हैं पीछे, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया पीछे दो बंदों के लिए जो है वो स्पेस जो है वो कैसा है. ये मेरी जो सीट है ये आगे वाली मेरी ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी अभी, और लगभग इतना मेरे को यहाँ पर देखिए लेग रूम मिल रहा है. हेडरूम में कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे को, और बिल्कुल लगभग अगर मैं थोड़ा सा आगे होकर के बैठता हूँ तो और भी ज़्यादा हेडरूम है. बिल्कुल 90% का एंगल जो था लगभग ऐसा बना रखा था. हम दो अच्छे खासे हट्टे कट्टे मोटे बंदे बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बीच के अंदर एक कह सकते हो कि एक बच्चे के लिए जगह बिल्कुल है. तीन एडल्ट्स अगर हमारे जैसे होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, नहीं तो बच्चा वगैरह आराम से आप बैठा सकते हैं. तो चलिए अब इस गाड़ी को चला करके दिखाते हैं आपको. एक चीज़ में मेरे को थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर कोस्ट कटिंग जरूर करी गई है, ये फिक्स जो है ये करा गया है, हेडरेस्ट वगैरह, और ऐसा ही पीछे भी है. ये टॉप वेरिएंट है लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया. और यहाँ AC जो वेंट हैं वो दिए गए हैं, वो बहुत बढ़िया बात है. तो चलिए चला करके देखते हैं अब इस गाड़ी को. पहले तो एक चीज़ मैं देखनी चाहूँगा कि जो जो स्टेयरिंग वगैरह है उसके ऊपर वाइब्रेशन कितनी आती है जब भी हम स्टार्ट करते हैं, तो एक बार देखते हैं. ऑलमोस्ट ना के बराबर साइलेंट है काफ़ी.
तो ये तो इनका एक वैलिड पॉइंट लगा मुझे कि आप जब टियागो स्टार्ट वगैरह करते हैं या थोड़ा सा नॉइस इंजन तो इनको लगेगा ही लगेगा। ये बेटर है क्योंकि पुरानी वाली सेंट्रो में जो राइट साइड का पैर था चलाते वक्त वो विंडो के उससे अड़ता था। ओके हाँ, इसमें सेंटर में कर दिया तो वहाँ पैर फ्री है, बस यह थोड़ा सा ऑड लगता है बीच में। जी मैं इससे थोड़ा सा और भी ज्यादा फ्रेंडली हूँ क्योंकि जो मेरी सेल है उसमें भी यहाँ पर ही दिया गया, तो वो चीज सही है। चले जी, थोड़ा सा मैं जो अपने देसी भाषा में कहते हैं ना खिंचती, तो खिंचती तो बहुत बढ़िया है यार। ये भी एक अच्छा कर्व दिया गया है यहाँ पर हैंडल के, ये सॉरी ये गियर नोब के ऊपर ना, तो प्रॉपर ग्रिप आती है इसकी। सर्कल इसमें लगभग सारी चीजें यार, जो ORVM को जो एडजस्ट करते हैं वो भी डिट्टो सेल वाला ही दिया गया है। थोड़ा फोगी फोगी जो है वो जरूर हो गया होगा। गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है और हुंडई का क्लच का तो कहने ही क्या, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। स्टीयरिंग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और सबसे अच्छी बात ये है कि काफ़ी ऊपर बैठते हो यार इसके अंदर भी, काफ़ी विजिबिलिटी वगैरह काफ़ी सही आपको लगेगी। देखिए एक बढ़िया चीज़ है, अगर आपका रन ज़्यादा है तो इस गाड़ी के अंदर आप एक CNG ऑप्शन जो है ना वो भी चूज़ कर सकते हैं। बॉडी रोल वगैरह तो नहीं है इतना गाड़ी के अंदर, जो इसकी मेन कॉम्पिटिशन अभी निकल करके आई है वैगन आर, पहले भी थी अभी भी है और वो आगे तक भी रहेगी, ठीक है। तो लेकिन यही है कि उसके अंदर थोड़ा सा बॉडी रोल आपको ज़्यादा लगेगा, ख़ास तौर पर जो अभी की जो गाड़ी है वो। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलने के अंदर काफ़ी अच्छी लगी, मटेरियल जो है इसका बहुत ही फर्स्ट क्लास लग रहा है, प्लास्टिक क्वालिटी के अंदर कोई भी कोताही जो है वो नहीं बरती गई। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी मैसेज के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि अगर फोर व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाया कीजिए, चाहे लोकल में हो चाहे बाहर हो, और अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जो है वो जरूर पहना कीजिए। जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपने बुलाया।